चलिए अब हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के अनुसार 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। अब इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो प्रश्न के आधार पर हम अपनी रचना के चरण देखते हैं। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। अब इस 3 सेंटीमीटर को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचिए। वृत्त रेखा को बढ़ाइए और वृत्त के केंद्र O से 7 सेंटीमीटर का चाप रेखा के दोनों तरफ काटिए और इनका नाम दीजिए P और Q। अब PO और QO को समद्विभाजित कीजिए। मान लेते हैं M और N क्रमशः PO तथा QO के मध्य बिंदु है। अब हम M को केंद्र तथा MO को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाते हैं। मान लीजिए यह दिए गए वृत्त को बिंदुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है। उसी प्रकार N को केंद्र तथा NO को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाइए। मान लीजिए यह दिए गए वृत्त को बिंदुओं C तथा D पर प्रतिच्छेद करता है। अब PA और PB तथा QC और QD को मिला लीजिए। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार हमें PA, PB तथा QC, QD क्रमशः बिंदुओं P और Q से स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई है। चलिए अब हम हमारी रचना की प्रामाणिकता देखते हैं। सबसे पहले AO, BO, CO तथा DO को मिला लीजिए। अब कोण PAO अर्धवृत्त में बना कोण है तथा हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण सदैव 90 डिग्री का होता है, इसीलिए कोण PAO बराबर 90 डिग्री के होगा। इसका मतलब है कि AO भुजा PA पर लंब है। चूंकि AO वृत्त की त्रिज्या है, इसीलिए PA वृत्त की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। उसी प्रकार PB, QC तथा QD वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं।